तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, एक अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, फ्लिपकार्ट की और अमेजोन की सेल चल रही है, तो मैंने एक फोन मंगवाया था जिसका नाम है मोटोरोला G54 5G वाला। उसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बताने वाला हूं कि इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था कितने का ऑफर में पड़ा, सब चीजें आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेट टेक में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट का बॉक्स आ चुका है। अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। पीछे से तो गोली लिया था, अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, जो कि है मोटोरोला G54 5G वाला। आप देख सकते हैं मोटोरोला का G54 5G वाला, ये सेल में लिया था। आफ्टर डिस्काउंट ये पड़ा है 15,097 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं ऑफ़र लगा के, बैंक ऑफ़र लगा के, सब कुछ लगा के फर्स्ट डे ये बुक करा था फ्लिपकार्ट के प्लस VIP प्लस मेम्बरशिप में, और उसके बाद ये अपन को 15,097 रुपीज़ का पड़ा है। अब इसको कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं 256 स्टोरेज के साथ, 12GB रैम के साथ, 50MP कैमरे के साथ, जिस जो इसका प्राइस है बहुत ही शानदार प्राइस है। आप देख सकते हैं प्राइस तो बहुत शानदार है। इसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा जब मैंने उसको अनबॉक्सिंग, ऑडियो में बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो मैंने पहले ही कर ली थी। जब मैंने उसको अनबॉक्सिंग करी, अनबॉक्सिंग का मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा। अब यहाँ पर इसके अंदर आपको मिलेगा एक टाइप सी का चार्जर केबल मिलेगी, और कुछ यहाँ पर गाइड्स मिलेंगी, और वहाँ पर आपको चार्जिंग का चार्जर मिलेगा, जो कि कितने वॉट का है वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये इतने वॉट का यहाँ पर आपको सपोर्ट करके मिलने वाला है चार्जर भी, जो कि इस प्राइस रेंज में बहुत सही है। नहीं तो आपको बताओ, आजकल तो चार्जर आना बंद हो चुके हैं, चार्जर नहीं आ रहे हैं। प्रीमियम हैंडसेट्स पर चार्जर आना बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं। तो इसको पैक कर देते हैं। फाइनली दोस्तों, ये हो चुका है अनबॉक्सिंग, और इसका पीछे का जो एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है। आगे की तरफ ये यहाँ पूरी तरफ से अगर आप देखें, यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और एक 3.5 जैक का हेडफोन जैक मिल जाता है। यहाँ पर पूरा प्लास्टिक की बॉडी है, पीछे से 50MP का आपको मेन कैमरा मिल जाता है, और एक और अल्ट्रा वाइड कैमरा, यहाँ पर दो कैमरे यहाँ पर दिए गए। साथ में आपको इसमें साथ सिलिकॉन कवर मिलता है, बिल्कुल सिलिकॉन वाइट ट्रांसपेरेंट के साथ। अब कर लेते हैं इसको ऑन। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको मोटोरोला का लोगो आएगा, और जो कि फर्स्ट प्रोसेस में चालू होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, बिकॉज़ कि फ़र्स्ट टाइम बूट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ये ले रहा था चार्ज होने में। फाइनली दोस्तों, ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर आपको मिलेगा प्योर एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस, मतलब कि जो पिक्सल्स के आपको एंड्रॉयड मिलता है, बिल्कुल प्योर एंड्रॉयड मिलेगा। इसमें कुछ भी नया चेंजेस नहीं मिलेगा, जो एंड्रॉयड फ़ोन में नॉर्मल मिलता है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 13 मिल रहा है इसके अंदर, एंड्रॉयड 13 का सपोर्ट मिल रहा है, और बाकी सेम वैसा ही है जैसा कि नॉर्मल होता है। यहाँ पर सारी आपको गूगल की ऐप मिलेंगी, सब कुछ आपको गूगल के जैसे मोबाइल होता ना, उस तरीके से आपको यहाँ मिलने वाला है। तो अब कर लेते हैं कैमरा टेस्टिंग के लिए ऑन कैमरे को। कैमरा ऑन करते ही आपसे कुछ परमिशन पूछेगा, दो चार आप उसको ऑन कर दीजिए फर्स्ट टाइम कैमरा एक्सेस करने के बाद। और हम यहाँ पर लेते हैं एक आध सेल्फी या एक आध बैक से फ़ोटो लेते हैं। थोड़ा सा इसका बार बार वो परमिशन मांग रहा था, परमिशन देने के बाद उसको ऑन कर लिया। फाइनली ये ऑन हो गया कैमरा। आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको दिख रहा होगा कैमरे का, फर्स्ट एक्सपीरियंस कितना शानदार है फ्रंट कैमरे का। और अगर ऐसे ही बैक कैमरे पे आएंगे तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि सब तक ये अपडेट पहुँच सके। तो थैंक यू।